देश के इन क्षेत्रों में भीषण बारिश के साथ बाढ़ का खतरा। दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपका दोस्त नवीन शर्मा। हम बात करें मौसम विभाग के बड़े अपडेट की। मौसम विभाग ने 30 से 31 जुलाई के लिए मानसूनी अपडेट जारी कर दिया है। तो कैसा रहने वाला है मानसून का प्रदर्शन इन दो दिनों में, आइए जान लेते हैं विस्तार से। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन दबाएं जिससे अपडेट रहे आप देश के सभी कैटेगरी के अपडेट एवं अलर्ट खबरों से। तो कैसा रहने वाला है मानसूनी सिस्टम, सबसे पहले जान लेते हैं। मानसून की अक्षीय रेखा जैसलमेर, भिलवाड़ा, गुना, उमरिया, पेंड्रा रोड, संबलपुर और चांदाबली से होते हुए पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी गुजर रही है। इसके अलावा ट्रफ रेखा पर दो चक्रवातियों का क्षेत्र भी स्थित है, एक मध्य राजस्थान और दूसरा दक्षिणी झारखंड और उससे सटे उड़ीसा के भागों पर। उत्तरी पाकिस्तान तथा उससे सटे जम्मू कश्मीर के भागों पर एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है और पिछले 24 घंटों के दौरान उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ और राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों में मानसून की व्यापक स्थिति देखी गई है। कोंकण, गोवा, उत्तरी तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ के कुछ हिस्से, मध्य प्रदेश के कई हिस्से और उड़ीसा के बाकी हिस्सों में मानसून सक्रिय बना रहा और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, झारखंड और नागालैंड सहित छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बाकी इलाकों में मानसून की सामान्य स्थिति देखी गई है। मध्य और दक्षिणी केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप समूह, दक्षिण अंडमान और निकोबारद्वीप समूह, कच्छ, असम के निचले हिस्से और रायलसीमा में मानसून की कमजोर स्थिति को देखा गया है। वहीं देश के बाकी हिस्सों में मानसून कमजोर बना रहा। बात करें आने वाले 24 घंटों के मानसून की, तो कोंकण, गोवा, उत्तरी तटीय कर्नाटक, विदर्भ के कुछ हिस्से, मराठवाड़ा, दक्षिण छत्तीसगढ़, दक्षिण उड़ीसा और उत्तरी तेलंगाना के हिस्सों में मानसून सक्रिय से व्यापक स्थिति में बने रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा के उत्तरी जिले, असम, मेघालय और नागालैंड के हिस्सों में मानसून के सक्रिय बने रहने की उम्मीदें हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, बाकी छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ हिस्से, बाकी तेलंगाना, पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्से और उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात के हिस्सों में मानसून सामान्य बना रह सकता है। देश के बाकी हिस्सों में मानसून के कमजोर बने रहने की संभावनाएं बनी हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार से रहेगा मानसून का प्रदर्शन इन दो दिनों में। वीडियो को और इसलिए शेयर करें ताकि सब लोग जान सके मानसून के ताजा अपडेट को और सावधान सतर्क रह सके। स्टूडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे जानकारी के साथ। तब तक लिए दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ।